तो आज डे टू है, हम निकल गए फिर से। आज स्कूबा डाइविंग करने वाले हैं, पता नहीं वो पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कैंसिल कर दूँ, क्योंकि पानी से मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो अभी अभी मैं निकला हूँ मेट्रो से और अब मैं जा रहा हूँ स्कूबा डाइविंग के लिए। तो यहाँ पे हो गई है सारी प्रिपरेशन स्कूबा डाइविंग की। ड्राइवर आ रहे हैं यहीं पे और उन्होंने कहा कि तैरना बिल्कुल नहीं आता। कोई बात नहीं, मैंने जो 20-30% सिखाया था वो भी भूल गया है। तो उन्होंने कहा तैरना आपको नहीं भी आता तो भी कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ रहना, बस आप डरना नहीं। आप डरोगे तो ज़्यादा अंदर आपको नहीं लेके जा पाएंगे, तो आपको हिम्मत रखना और कॉन्फिडेंट रहना है। तो अभी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है हमारी और हम अब निकलते हैं स्कूबा डाइविंग के लिए। मिनिमम वेजेस 24 स्विस फ्रैंक पर आवर। बार्सिलोना बहुत ही वेल मेंटेन सिटी मुझे लग रही है। यहाँ पे देखे साइकिल्स के रास्ते बने हुए हैं, इतने ब्रॉड फुटपाथ से मैंने यूरोप में कहीं नहीं देखा, लंदन में भी नहीं देखा है। तो बहुत ही वेल मेंटेन सिटी लग रही है बार्सिलोना मुझे। तो अब हम उस पॉइंट पे आने वाले हैं जहाँ पे हम स्कूबा डाइविंग करने वाले हैं। और जैसे जैसे पॉइंट आ रहा है काफ़ी डर लग रहा है, पता नहीं डर क्यों लग रहा है मुझे। शायद डरना नहीं चाहिए क्योंकि सेफ है, ये बहुत ही सेफ है, बट ठंड है, पानी काफ़ी ठंड है। इस वक्त ठंड है, अभी 18-19 डिग्री है। तो ये ना समझे कि मैं टी शर्ट पहन के हूँ तो बहुत गर्मी है, क्योंकि मुझे ठंड की आदत हो चुकी है। तो 18-19 डिग्री है, मुझे इतना ठंडा नहीं लगता। ऊपर से सी साइड है तो बहुत ही विंडी है, बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही है। एलेक्स, हाउ टफ इट इज़ फॉर अ न्यू पर्सन? सॉरी, हाउ टफ स्कूबा डाइविंग इज़ फॉर अ न्यू पर्सन? प्लीज, इट्स हार्ड। लाइक व्हाट विल यू से? इट्स हार्ड बिकॉज़ यू गोना ट्राई समथिंग टोटली न्यू। वाटर इज़ नॉट आवर एनवायरनमेंट, so we need to adapt to that. Yeah. So we're gonna move differently, we're gonna breathe differently, so yeah, it's gonna be there. So as Alex said, we are not fish, so we are not exactly used to the water, so it's difficult for a first time person, but now we are confident because he's an expert diver, so we are feeling safe with him. So hum diving point pe aa chuke hain aur mere piche Mediterranean Sea, wo dekhe। अब हम यहीं से कूदेंगे भीतर, तो हम 7 meters डीप जाएंगे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम फर्स्ट टाइमर्स हैं। और हम जैसे ही पानी के अंदर जाएंगे तो हम पहले सांस लेंगे, देखेंगे ब्रीथ करके कि हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं नहीं, और उसके बाद धीरे धीरे अंदर जाएंगे। अगर कॉन्फिडेंट रहे, कंफर्टेबल रहे पानी के अंदर, तो बेझिझक अंदर जाएंगे। नहीं रहे तो थोड़ी दूर जाकर जल्दी से निकलना होगा, क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ शार्क एज यू सेड, बट आई डोंट थिंक सो। वो देखे डाइवर्स की एक झुंड है वहाँ पे जो कि कूद रहे, और ये तो आप जानते हैं ये क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, इससे हम पानी के अंदर सांस लेंगे। और ओके, ये फुट पेडल्स, आई ग्लासेस और द इक्विपमेंट वी नीड। तो मेरे साथ शिवम भाई भी जा रहे हैं, ये भी इंडिया से। कैसा लग रहा है आपको? डर लग रहा है यार, बहुत डर लग रहा है। डर तो लगेगा क्योंकि हम इंसान हैं, हम ज़मीन पे रहते हैं, पानी के अंदर एक मछलियों की दुनिया है, डर तो लगना चाहिए, डर नहीं लगना गलत है। तो जैसे कि ड्राइवर एलेक्स ने बताया कि तीन तरह की फोर्स है जो पानी को कंट्रोल करते हैं। नेगेटिव बॉयंसी यानी कि आप फ्लो करेंगे, पॉजिटिव बॉयंसी आप अंदर चले जाएंगे, और न्यूट्रल बॉयंसी आप कंट्रोल करेंगे कि आपको ऊपर जाना है या नीचे रहना है। तो हमें ये तीनों को ध्यान में रखना, उन्होंने समझाया हमें। तो अब हम बहुत ही जल्द कूदेंगे, बस रेडी है कूदने के लिए, हम साथ में ही कूदेंगे।
स्कूबा डाइविंग मैं अभी ख़त्म करके आ रहा हूँ और मैं आपको बताता हूँ इसका एक्सपीरियंस कैसा है। फर्स्ट टाइम अगर आप करते हो तो आपसे नहीं होगा, साफ सीधा बात। या बहुत ऐसे लोग हैं जो कर पाते हैं पर वो बहुत कम लोग हैं। फर्स्ट टाइम में क्या होता है कि आप पहले हो नए हो, पानी के अंदर एक टेक्निक होती है सांस लेने की, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ये आपको मुंह में अपने रखना है, इसे जबड़े से आपको पकड़ना है और इसको जैसे कि आप किस करते हो ऐसे करके आपको इसे पकड़ना है और इसी से आपको सांस लेना है और इसी से सांस छोड़ना है। नाक कान सब ब्लॉक रहेगी, तो यही सबसे मेन चीज़। अगर ये आप कर पाते हो तो आप इसको डाइविंग बहुत इजीली कर पाओगे, अगर ये नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाओगे। तो इसको मुंह में रखना पड़ता है, ये पे जबड़े की तरह यहाँ पे लाइनिंग्स बनी हुई है, तो इसे आपको अपने जबड़े में फिट करना और ऐसे कर लेना, मुंह बंद कर लेना। तो मुंह बंद रहनी चाहिए, मुंह नहीं होने चाहिए, नाक नहीं निकलने चाहिए, तभी जो है सांस आप लोगे और सांस छोड़ोगे। तो यही टेक्निक है स्कूबा डाइविंग की। बाकी ड्राइवर आपके साथ रहेंगे, सब कुछ करेंगे पानी के अंदर। तो हम तीन जन थे, हम तीनों में से कोई भी 4.6 या उससे ज़्यादा 4.6 meters से आगे नहीं जा पाया है। तो मैं गया था 3.0 कुछ में और एक लड़का जो मेरे साथ था पहले वीडियो में, तो वो शिवम वो 4.6 गया था, हाईएस्ट गया था। तो नहीं जा पाया बहुत ज़्यादा डीप, थोड़ी ही डीप गया। तो मैंने गलती कर दी कि मैंने सांस गलत तरीके से ले लिया और पानी मुंह में चला गया, तो मुझे फिर ऊपर आना पड़ा जल्दी से। तो सांस लेने वक्त आप बहुत ध्यान दें और मुझे ऐसा लगता है अब मैं कर लूँगा, तो वही है धीरे धीरे करने करते करते वो ठीक हो जाती है वो चीज़। तो पहली बार था, पहली बार के हिसाब से ठीक है, बुरा नहीं है, फर्स्ट टाइमर है। तो कैसा लगा आपको पैरा स्कूबा डाइविंग करके बताया? बहुत ज़्यादा अच्छा, आई मीन बस कान में दर्द हो रहा थोड़ा ज़्यादा, बट उसके अलावा गुड एक्सपीरियंस। हाँ एक और बात, आप जब नीचे जाते हो तो एक प्रेशर होता है वो कानों में लगता है, तो वो रिलीज़ करना पड़ता है नाक बंद करके। एलेक्स से समथिंग अबाउट स्कूबा डाइविंग। सो हाउ डिड वी डू, लाइक हाउ वाज आवर परफॉर्मेंस? योर परफॉर्मेंस, वेल यू ट्राइड, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे ट्राइड, इट वाज नॉट द बेस्ट experience, but they tried. Scuba diving, like I thought before, like I said before, is not for everybody. You need to adapt. There is few things to know, and your brain need to process a lot of information. You are underwater. You are not on the earth anymore, so you are not breathing in the same way. You are not using the same equipment. You are not human anymore. Correct. You are a fish basically when you are inside the water. So as a first timer, you know, nothing is bad as a first timer, even if you score zero, because that was your first time. So you need to think like a fish, you need to be relaxed. So whenever you come to Barcelona, if you want to do scuba diving, do with Alex. His company is iDive Barcelona. I will share the link, and the location is very straightforward. It's just in front of the metro. So you can take the tube or bus, anything. And Alex is an excellent diver, so he will take care of you. Thank you. तो ये है एलेक्स की कंपनी आई डाइव बार्सिलोना डाइविंग स्कूल। तो मुझे देखे किसी ने काटा था पानी के अंदर, पता नहीं किसने काटा है, अगर आप धूप में देखे तो ये निशान आपको समझ में आ रही होगी। तो पानी के अंदर एक मछली था शायद। तो ये है बार्सिलोना की बस, इसकी टिकट होती है वन टाइम की 2.40 euros और ट्रेन की टिकट होती है एक तरफ की 2.60 euros। तो इसे आप याद रखें, बस की 240, ट्रेन की 260।
स्ट्रीट्स देखे, कितना प्यारा लग रहा है ये। मैं अभी बार्सिलोना के मेट्रो में हूँ और ट्रेन अभी आ रही है, ट्रेन आ रही है, बहुत आवाज़ हो रहा है। ये दृश्य देखिए, यहाँ से यहाँ खेल होता है, पूरा बार्सिलोना शहर यहाँ से दिख रहा है। हम केबल कार के तक आ ही गए, बहुत ऊंचा था, बहुत चलना पड़ा, कैब नहीं मिल रहा था, बहुत थकान हो गई है, कम से कम 1000 सीढ़ी चढ़ना पड़ा, अब फाइनली आ गए। इसकी बोथ वेज टिकट 15 यूरो की है और एक तरफ अगर आप जाते तो 8 यूरो, तो मुझे यहीं से कहीं पास पे जाना था तो इसलिए मैंने बोथ वेज लिया है, तो मैं यहीं वापस आऊँगा, तो 15 यूरो की। और अगर आप सिर्फ एक बार जाएंगे ऊपर, वहाँ से कहीं और जाएंगे, तो सिर्फ 8 यूरो की ये टिकट है, ठीक है। तो रोप वे चालू हो चुका है और मेरे सामने है बार्सिलोना का पूरा दृश्य, बेहद ही खूबसूरत दृश्य, आपको इसमें आना ही होगा अगर आपने बार्सिलोना में घूमने का प्लान किया है या यहाँ पे कदम रखा है। तो यहाँ से देखे एक और दृश्य आ रहा है, वो हो यहाँ से जो सी साइड भी आ रहा है पूरा, देखे बार्सिलोना पोर्ट, सी साइड, और क्या दृश्य है ये शहर का, ओ हो 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 हो। कमाल लग रहा है। अब मैं यहाँ से नीचे उतर रहा हूँ रोपवे ख़त्म करने के बाद, यहाँ पे रास्ते ख़राब है, अब देख सकते हैं मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, कदम मेरे अपने आप बढ़ रहे हैं, इतनी गहरी स्लोप है, तो इसलिए काफ़ी कैमरा हिल रहा है। This is the famous Rambla Street in Barcelona. ये बहुत ही लंबी स्ट्रीट है, बहुत ही फेमस है। तो मैं अभी एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाने आया हूँ, मैं यहाँ का खाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, तो ज़रूर देखूँगा ट्राई करके कैसा है। और महंगी रेस्टोरेंट है, काफ़ी महंगी है, मतलब अच्छी खासी रेट है। मेरे पीछे है नाइटमेयर हॉरर म्यूजियम,
काफ़ी डरावना सीन बनाया गया है, ये है भूत साहब, भूत जी ये अंदर मुझे डराएंगे, मुझे काफ़ी डर लग रहा है, मुझे मत डराओ। और यहाँ पे है दो बच्ची जो कि नन या एनाबेल, ये है एनाबेल, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम मुझे डराओगे, तुम भी मुझे डराओगे। तो ये बार्सिलोना के सिटी सेंटर में ही है, ये बहुत हिडन है, गली के अंदर छुपी हुई है, शायद आपको ये दिखे ना, मुझे चलते चलते दिख गई थी। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसकी कीमत है 25 यूरो, मेरे हिसाब से बहुत है इसकी टिकट एक हॉरर म्यूजियम के लिए, नहीं 25 यूरो में नहीं देने वाला इसके लिए, इसलिए मैं ये नहीं कर रहा, से कुछ खास भी नहीं, क्या करूँगा मैं डर भर कर भूत से। तो मैं ओवरऑल रिव्यू दूंगा बार्सिलोना को आउट ऑफ 10, मैं 9 दूंगा ये सिटी को, जी हाँ 9, ये सिटी इतना अच्छा मुझे लगा, 9 एक बहुत ही अच्छा रेटिंग है। तो बार्सिलोना की गलियाँ मतलब स्ट्रीट्स के अंदर के जो है रास्ते, वो ज्यूरिक से काफ़ी मिलते जुलते, मुझे ऐसा लग रहा है मैं स्विट्ज़रलैंड में हूँ, इतना अच्छा लग रहा है। तो मेरा दिल मन तबीयत सब कुछ खुश हो चुका है बार्सिलोना आकर, मैंने बहुत अच्छा काम किया है बार्सिलोना आकर, मज़ा आ गया मुझे।